राजस्थान के अजमेर की एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। यहां बारिश के बाद भारी जलजमाव है। शहर के सिनेवर्ल्ड चौराहा और राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के इलाके में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, सड़क पर गाड़ियां तैरती हुई निकल रही हैं, सड़कों पर ठेले और स्टॉल भी बहते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दरगाह का जो इलाका है वहां पर आप देखिए, बिल्कुल सामने जो मेन गेट है उसके सामने क्या स्थिति बनी हुई है। तो हर तरफ पानी ही पानी, सड़क पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी का कब्जा है, जल भराव की स्थिति, और लोग ऐसे में परेशान हैं। लोगों की जो जिंदगी है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। ये राजस्थान में अजमेर की तस्वीर आपके सामने है। बारिश होती नहीं है और उसके बाद शहरों का क्या हाल हो जाता है आप देखते हैं। अक्सर ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, जो वीडियो सामने आ रहे हैं। तो जल निकासी की समुचित व्यवस्था ना हो पाने की वजह से या नालियों की सफाई समय पर ना हो पाने की वजह से आप देख रहे हैं बारिश होते ही जल भराव हो जाता है हर तरफ, और उसके बाद लोगों के घर बार भी इसे अछूते नहीं रहते। खासतौर पर जिन लोगों के घर ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं या फिर जो दुकानें होती हैं उन सब में पानी घुस जाता है। ये सड़क का हाल आप देख सकते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ कुछ इस तरीके से निकल पा रही हैं। बहुत ज़्यादा जल भराव है और जब इस तरह की स्थिति बन जाती है तो कई हादसे हो जाते हैं, कई बार दुर्भाग्यपूर्ण हादसे हो जाते हैं, लोगों की जान तक चली जाती है। और ये देख पा रहे होंगे आप, किसी की दुकान है, आप देख रहे हैं किस तरह से सिलेंडर वहां पर पानी में बहता हुआ दिख रहा है। और आसपास भी आप देख पा रहे होंगे, वो पार्किंग एरिया हो या फिर दुकानें हो, बाजार हो, कोई भी हिस्सा हो शहर का, वहां पर कुछ इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। ये जो अजमेर शरीफ दरगाह है वहाँ का हाल भी आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे दरगाह से जो लोग निकल रहे हैं किस तरह की दिक्कतें उन्हें हो रही हैं। सड़क पर भी जल जमाव की स्थिति है और जो लोगों की दुकानें हैं या खास तौर पर जो रोड साइड इटरीज होती हैं, जो स्टॉल्स हैं, वहाँ उन लोगों को बहुत दिक्कत आती है जो सड़कों पर अपनी इस तरह से दुकान लगाते हैं। अब आपको भीलवाड़ा लिए चलते हैं। यहां भारी बारिश में एक कार बह गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कार सवार सभी छह लोग सुरक्षित बचा लिए गए, लेकिन वो कार बह गई। ये भीलवाड़ा की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे जहां पर तेज बारिश के बाद सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और ये देखिए कार किस तरीके से फंस गई थी इस पानी के बहाव में। जो लोग सवार थे आनन फानन में, उन्हें निकाला गया, उनकी जान बच पाई है। हालांकि कार बहकर बहुत दूर तक चली गई थी क्योंकि पानी का प्रवाह बहुत तेज था। और ऐसे में जब ये कार यहाँ पर फंसी भीलवाड़ा में, आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये कार धीरे धीरे पानी में समाती हुई आपको नजर आएगी। बड़ा नुकसान हो सकता था, लोगों की जान जा सकती थी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं। वक्त रहते कार के अंदर बैठे लोगों को निकाल लिया गया। इसके पहले आप अजमेर का हाल देख रहे थे, ये भीलवाड़ा की तस्वीर है। तो राजस्थान के भी कई हिस्सों से ऐसी ही खबरें आ रही हैं। और अब ये टोंक का हाल आपके सामने है, आप देख रहे हैं यहाँ पर खेत खलिहान हो या फिर लोगों के घर बार हो, हर तरफ पानी ही पानी। निचले इलाकों में खास तौर पर बहुत ज्यादा जल भराव है। ये आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। जो कच्चे बने हुए घर खास तौर पर होते हैं उन लोगों को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि कईयों के घर बह जाते हैं जब इस तरीके से वहां जल भराव हो जाए। ये राजस्थान के टोंक की तस्वीर है आपके सामने। तो राजस्थान के भी कई शहरों से करीब करीब एक ही तरह की तस्वीर सामने आ रही है। और यह है राजधानी जयपुर की तस्वीर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। वहां पर आप देख रहे हैं ट्रैफिक जाम, बारिश होने की वजह से सड़क पर जलभराव, और उसके बाद आप देखिए यातायात पर इसका सीधा असर पड़ता है। एक तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले देखी किस तरीके से गाड़ियां जहां की तहां खड़ी थी फंसी हुई। तो ये बड़े शहर हैं भारत के और यहां भी आप देख सकते हैं कि जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं, और जिसका परिणाम ये होता है
कि थोड़ी सी बारिश में सड़कों पर पानी का कब्जा हो जाता है और शाम का वक्त, रात का वक्त जब लोग घरों की तरफ लौट रहे होते हैं, आप देखिए लोग कहां जहां तहां फंसे हुए थे ट्रैफिक में। राजस्थान के सिरोही में भी मूसलाधार बारिश हुई। इसके बाद ऐसा लगा कि सड़कें तो मानो तालाब बन गई हो। एक शख्स के बिस्तर पर लेटकर बहने का वीडियो वायरल हुआ है, ये आप देखिए। तो इस तरह की तस्वीरें अलग अलग जगहों से सामने आती हैं। कुछ लोग अपने मोबाइल में ये वीडियो कैप्चर कर लेते हैं। ये सिरोही का हाल आपके सामने है। कोई व्यक्ति अपने बेड के साथ साथ ही उसी के सहारे पानी में कुछ यूं बहता हुआ जा रहा था। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, आसपास में आप देखिए कई स्कूटी नजर आ रही हैं आपको, बाइक हैं, दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, जिसका सीधे तौर पर मतलब ये कि ये सड़क हुआ करती थी। अभी यहाँ पर देखिए आपको लगेगा कोई नदी बह रही है। तो एमपी से गुजरात, राजस्थान या फिर दक्षिण के कई राज्यों की बात कर ली जाए, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, हर जगह अभी बाढ़ और बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। और ये राजस्थान का हाल है, वो राजस्थान जिसका एक बड़ा हिस्सा कभी मरुभूमि के तौर पर उसकी पहचान हुआ करती थी, और आज वहाँ पर ज़रा आप हाल देखिए किस तरीके से मौसम का मिजाज दिन ब दिन बदलता जा रहा है। जहाँ कभी बहुत रेत हुआ करता था, जहाँ बारिश नहीं होती थी, वहाँ पर अतिवृष्टि यानी इतनी बारिश हो जा रही है कि सड़कों का हाल बुरा हो जा रहा है, लोगों के घरों में पानी घुस जा रहा है। ये सिरोही की तस्वीर है आपके सामने। तो अजमेर हो, भीलवाड़ा हो, राजस्थान की राजधानी जयपुर हो या फिर ये सिरोही, आप देख पा रहे हैं लगभग हर एक ही तरीके के हालात हैं। ये कोई दूर दराज के गांव नहीं है जहां पर अचानक से पानी भर आए, फिर लोगों को समझ ना आए, खेत खलियान हो कि क्या करें। ये सब शहर हैं, शहरों का ये हाल हो जा रहा है, जहां पर बाकायदा नगर निगम की तरफ से तैयारी की जाती है, उनका करोड़ों रुपये का बजट होता है इन चीज़ों के लिए कि अगर बारिश हो जाए तो कैसे जल्द से जल्द पानी की निकासी हो सके, जल भराव ना हो शहर में। लेकिन बारिश के बाद ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ भगवान भरोसे हो। और ये सिर्फ राजस्थान का हाल नहीं है, देश के विभिन्न राज्यों से ऐसी ही तस्वीरें इन दिनों सामने आती हैं। राजस्थान में ही अब आपको बूंदी लिए चलते हैं और वहां की तस्वीरें आप देखिए। बाढ़ की वजह से यहां तीन गांवों के हालात बहुत खराब हैं। घरों में पानी भरने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आलम तो यह है कि कलेक्टर एसपी ने ट्रैक्टर पर बैठकर हालात का जायजा लिया और आप देख रहे हैं पानी का जो ये प्रवाह है, जो ये रफ्तार है पानी की, कितनी तेज। गलती से किसी का पांव इसमें फिसल जाता तो सोचिए क्या होता। और ये कस्बों के बीच का हाल आपके सामने है। ट्रैक्टर पर बैठकर आला अधिकारी इस इलाके में पहुंचे और ये देखिए घर के अंदर पानी कैसे घुस गया। एक महिला को आपने देखा खाट पर, वो बैठी हुई थी और नीचे चारों तरफ पानी ही पानी। और ये जो आला अधिकारी हैं कुछ इस तरीके से इस इलाके का जायजा ले रहे हैं। बूंदी का हाल आपके सामने, जहां बारिश की बूंदों ने इस तरीके से मुसीबत बढ़ा दी है। ABP News, आपको रखे आगे।